बिहार में बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज में राशन एवं सब्जियों के दाम में विक्रेताओं द्वारा बढ़ोतरी करते हुए कालाबाजारी की जा रही है, जिसमें सरसों तेल 200 रुपये, रहर दाल 200 रुपये, चना दाल 150 रुपये, बेसन 200 रुपये किलो, चावल 50 रुपये किलो एवं आटा 50 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा अब तक रेट निर्धारित नहीं करने पर खुलेआम दुकानदारों द्वारा राशन एवं सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी करते हुए कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी करने से घर का बजट बिगड़ गया है। अगर सरकार द्वारा रेट निर्धारित नहीं किया गया तो हम लोग कोरोना से कम मरेंगे, भूखे जरूर मर जाएंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही अन्य पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए द डेली टाइड। क्या सौ रुपया लेना है, लोन दे जाओ। सरसों तेल 200 रुपया किलो। इसको बोलता है क्या, अब बोलता सीधे के दाम कहाँ जाना है, बोला है बोल दीजिए, यही बोल रहा है ना, क्या मतलब है आप क्या बोले अभी? हम कंप्लेन के तो बोला कि जिसको कहना है जाके कहिए, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। सरसों तेल कैसे बोले? 200 रुपया जी हाँ। चना दाल 70 रुपया किलो, 80 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। हाँ, हर चीज महंगाई बढ़ गया है, कुछ खाएगा आदमी, प्याज खाएगा। कोरोना से कम भूखे आदमी ऐसे मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। मोदी क्या सरकार क्या कहता है, 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं, दे रहा है फ्री में।